वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें कांट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं, यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है जिससे से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो
सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।